और आज मैंने छोड़ के मेरे भाई भी चले गए हैं। क्यों चले गए आप? जहाँ पे मेरे पति का पता चला वहाँ जाने के लिए तुम्हारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा कहीं ना आई उंडे दबे देख फिर एक बार क्यों लगना। राम राम जी सारे, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो मेरी बहन है चैनल पर पहली बार आई है, जाके प्लीज़ जाके एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और आज मैंने छोड़ कर मेरे भाई भी चले गए हैं। क्यों चले गए आप लोगों का आगे ब्लॉग में सारा कुछ पता चल जाएगा। आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी और घर का मतलब थोड़ा पता काम करने लग रही हूँ और दही जमाई थी। मैं इसकी लस्सी बना लूँ, दादी भी लस्सी राजियों के भी बच्चे भी, और थोड़ा सा उनका मक्खन भी निकल जाएगा और बच्चे के लिए उनका दही तो गुन्नू खानदानी। मैं लस्सी बना लूँ इसकी, जब दूध था फालतू लिया रखा था मैंने दही जमा दी। पर कह दादी बोली चल इसकी लस्सी बना दे, तो यू है लस्सी बनाने का। तो इसके साथ ही कर लूँ दूसरे, 1 घंटा हो गया मैंने तो बैठी ने गर्मी में कुछ भी नहीं निकल रही इसमें। ये भाई ये झाग सी ऊपर थोड़ी सी, मैं कहीं कुछ निकलेगा देखूँ। मैं तो पहली बार ही करने लग रही हूँ ऐसा काम, और आज मैं बहुत सैड हूँ। मतलब आज मेरा बिल्कुल भी सुबह से कुछ करने का मन नहीं था। मैं कल अच्छा अपना काम में लगी रहूँगी क्योंकि थोड़ा सा दिन ही कट जाएगा। बच्चे बाद एक सौ लग रहे एक लग रहे दादी के साथ साथ में। मैं दादी वास्ते 2 रोटी सेक दूँगी, चाय बनाती है तो दाल दही चल जाती है बच्चे नहीं देती। सारे काम करने पड़े भाई, मम्मी भी ला भी चलो दंग हो जाए। ये जाग ही जाग आ रही ऊपर, मक्खन पता नहीं कद बनेगा। वैसे गर्मी बहुत है, दूध बहुत गर्म था, दही तो मैंने फ्रिज में भी रखा था थोड़ी देर, फिर ठंडा पानी भी बर्फ बर्फ ही डाला था। देखते भाई बनता कुछ भी नहीं। चलो लस्सी तो बन जाएगी पर मक्खन का नहीं देगी लस्सी। मैंने लस्सी बना ली थी पर मक्खन नहीं निकला उसमें, दया दादी वास्ते रोटी भी बना ली थी। बर्तन साफ करके अंदर आई, मगर दीपू ने थोड़ा दूध पिया लूं, फिर उसके बाद मैं जाऊं। मैं तेरे घर भी थोड़े भी गया है। हां चले गए हूं अभी थोड़े भी गया है। के का सका टेंशन ना लिए अगर तुम क्या चीज की के टेंशन है। मैं थोड़ा सा काम कर ले, कपड़े डाल रखे मशीन में इतने सारे कपड़े हैं, मैं धो लो फिर उसके बाद करूँगा झाड़ू पोछा। वो ये मन उदास अजीब सा फिर ऐसे ज्यादा टेंशन आ रही है फिर कुछ मतलब मन ही नहीं लग रहा आज तो ना। मम्मी घर में, मम्मी को भाई जरूरी काम था, जाना था मेरी दीदी के साथ। अब उनके पेपर तो दबाना ही था, इतनी मेहनत करा कि बेचारी ने लास्ट टाइम उनके साथ कोई नहीं जाने वाला था। लास्ट टाइम में कहा मम्मी आप ही चले जाओ बेचारे, तो काम साधना ही पड़ा था। आज तो मतलब पूरा दिन मेरे को ऐसा लग रहा खराब ही जाएगा। गुड इसको खिला लो दादी, मैं तब तक वो कर लूँ कपड़े निकालू मशीन में, तो जल्दी जल्दी धो कर भी झाड़ू पोछा करूँगी। आज तो थोड़ा सा मौसम भी ठीक ही है, 2 दिन हो गए तो मौसम ठीक, इतनी धूप को नहीं होती पर गर्मी तो फिर भी पूरी है। पर इतनी धूप में बाहर भी नहीं मैं काम कर रही हूँ, बहुत तलवार दर्द बहुत काम पड़ा। मम्मी तभी फ़ोन करना था कि दीदी का पेपर कितने बजे से शुरू है, मैंने तो फ़ोन भी नहीं किया। सुबह सुबह क्या फ़ोन करना, और ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। मैं कहा मेरे भाई और चले गए, मैं कहा क्या बताना मम्मी तक, खुद ही कर लेगी फ़ोन या मैं कर दूँगी, पहले काम निपटा लूँ। डुकू चाचे के जा रहा था, मैंने सोचा सो गया होगा और यू चाचा उरे मैं लिया होगा दूध पिया दूँ उसको। ये कलर गुनू ने इसके ये सारे गुट्टे से ले आई थी, ये 50 रुपए की, ये दोनों काट दिए ये बैठ दिए कुछ नहीं छोड़ता ही तो समझ। देखिए देखिए इसको अब चलना भी आ रहा। देखिए देखो आ जा बेटा कड़ा सी है दीदी कैसे चलता है। अरे बेटा काम करूं मैं तो वही काम कर लूँ, तो वही कपड़े धो दिए हैं उरे को धो दूँ मैं सारा कुछ। और गाड़ी ले गए थे कल मेरे भाई यार, बहुत गंदी कर रखी मैं गाड़ी में धो लूँ, थोड़ा सा बुरा हाल हो रहा गाड़ी को ऐसे गंदी देखे ना बहुत गंदा लगा, अच्छा कोई लग रहा। मैं धो दूँ इसने भी, कूलर ने भी भर दूँगी धो दाक है इसने भी एक बार साफ करना। मैं पूरा पहले गर्म हो रहा नीचे बहुत ज़्यादा फर्श, सुबह सुबह इतना धूप आओ इतनी धूप, मैं इसने थोड़ा ठंडा कर लूँ इतने मुझे पैर धो लूँ, वहाँ चप्पल खोलूँगी मेरी चप्पल इतनी खराब हो रही चला है नीचे का। ना बेटा ना होगा, एक बार कपड़े नहीं गंदे करिए फिर रुक जा, मैंने कूलर ले आंदे रहने
डस्टबिन में डाल दे अपना बहुत गंदा हो रहा भाई सुंदर जी इस कपड़े गंदे पानी कट दो कपड़े कर दो पानी ही निकल रहा है कूलर से पानी निकल पूरा बैठे काट दो आराम से बच्चा ये क्योंकि भाई डुकू खेलने लग रहा तो भी काम बना देखो जब बच्चा खेले ना तो कुछ नहीं बनना करेंगे सार दिन बदबू उठने लग जाएगी इसमें जो नहीं रोज साफ करेंगे गुनू बेटा गंदे काम नहीं करे खुद नहीं गिल्ला होना कपड़े गिल्ले नहीं करने बेटा मेरे हाथ गंदे दादी के पास चला जा दादी बैठी गैलरी में वही रखना ये कपड़े फिर यही पहनना चल दूसरे पहन लिए गर्मी इतनी हो रही है भाई मेरे तो भी पसीने में बुरा हाल हो जाए मैं काटने लगी सब्जी कल मेरे भाई ने शिमला मिर्च लाई थी और क्या बोलते हैं मकई ने काट भी नहीं की सब्जी बना लूँ मेरे भाई यार तो चले गए और ये उनका फोन आया था कि मारा तो मन ही नहीं लग रहा था अरे मतलब वो ये जीव सारे यार मेरे भाई मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था मुझ चले गए इन्हों का माँ उल्टे आओ आई मका रहन दो उल्टे के करोगे पहुँचने वाले हो रहे हो पंटा साहिब मका उल्टे आवा मैं पता नहीं उसी बस में उल्टे आऊँगे कि घर आ जाऊँगे इवनिंग को आधे घंटे बाद पहुँचाऊंगे मामा और मैं फ़ोन करूँगा मगर कर लियो कोई बात नहीं इन्हों का हमारा मन ही नहीं लग रहा वहीं हो रहा हमारा तो एक भाई का तो मेरा मन को दिखा जान का पर एक जो छोटा भाई है वो जबरदस्ती उसने खींच के ले गया उनका चल चल करा चल करा चल मेरा तो मन को लग रहा और मेरे बड़े भाई का बिल्कुल भी मन को दिखा जान कर आलू लिए इतने बड़े बड़े मन लगे इनकी सब्जी भी कोई बढ़िया बनू क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आलू हैं वहीं खराब से डुबू मारा सोन लग रहा आराम से और गुल्लू टमाटर टमाटर नहीं खा हुआ है इतने खा ही टमाटर जब भी मैं सब्जी कट हो रही हूँ जब ही पाऊँगा जो टमाटर जरूर है फिर कार्टून देखने लग देखा नहीं कहा मामा नहीं अब मुझे नहीं देखना मामू कहाँ गए फिर मामू तो चले गए पहुँचने वाले हो रहे अपने घर ही बड़ा थोड़ी से माड़ा कर रहे अपने मामू का दादी मुका जल्दी जल्दी सब्जी बना ले फिर कपड़े भी ताने बार बारिश आ रहा मौसम हो रहा एकदम ही बारिश भी आ सके ठीक है थोड़ी सी बारिश हो जाएगी मौसम भी सही सा हो जाएगा ठंडा सा हो जाएगा ना तो रसोई में तो बढ़िया भी नहीं जाता इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा तो निकाल दो छीटनी जल्दी से खाली फिनिश और मैंने ऐसा लगा मैंने आलू ज़्यादा ले गई दो जने हम खाना खाने वाले हो मैं और दादी तो कोई नहीं अपने चाची हट दे दूँ मैं तो ये सोच रही मैं कभी मेरे भाई उल्टी आ जाए उन वास्ते भी बना लूँ फिर मगर पर उनका कोई भरोसा नहीं है फोन ही करना पड़ेगा दोबारा इतने खराब आलू है इतना छिलका उतरा है मैं नाखून बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं मैं सब्जी तो फिर बनाऊंगी पहले नाखून काट लूँ ना तो बच्चे के नाम दिया ना इतने चुभे और फिर बाद में भी वो अजीब से लगा मन तो थोड़े से बड़े बड़े आ गए पूरे बैठे काट लिए दादी बुरी लिटरी दादी बोली उ ठंडा मौसम हो रहा तो बिल्कुल साफ बिल्कुल बादल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं दादी गुनू कट गया करा खेत में चाची को अभी भाई आज 14 है तो उन्हें बोल के हमें धोख मारन जाना तो गुन्नू चाची के साथ ही गए खेत में तो मेरा भी इतना मन कर जाने का पर टाइम ही को नहीं मिलता फिर उधर डुगू रोन लग जाए उसने को भाई ले जा सकते अभी खेत कूद में वो छोटा अभी और दूर है बहुत खेत भी इसीलिए गुनू ने तो चल गोदी उठा लेंगे चाची या उसका चाचू पर जा कौन सकते मेरा मन कर रहा था एक दिन जाऊंगी मम्मी के साथ ही भी तो जामन भी नहीं लगी फिर लगी तो अभी पक्की नहीं है अभी कच्ची पड़ी तो चाची बोली कि अभी तो क्या करेगी जब जामन लगेगी जदी जाइए नींबू नम्बू हाँ ये बाल तो कच्चे पड़े और नींबू भी को नींबू भी कच्चे पड़े क्या करूँगी फिर खेत में जा
सब्जी काटी, हाथ इतने बेकार हो गए हैं अजीब से। वो काटी थी शिमला मिर्च थी, नाखून तो काट के, आपके तो नहीं काटने दादी। ले काटूं तो ये काटी के नाखून पूरे को सारे को धोया था। राम राम जी सारे राम। गुरु ने अपनी गाड़ी का क्या हाल कर दिया, बाहर ले गया होगा पक्का। देखे क्या हाल करती है, सीधा सा चीज ले गया। कौन से लोग काटने हैं देखे भी हो रहे हैं और रात के और काम तो इतना तो देना जब टाइम नहीं है ये कपड़े हो रहे हैं। तो भाई दादी के नू काट लू कितनी दे भाई, हम भी 100 रुपए की चार किलो तो 3 दिन तक के आते हैं तो बड़ा हो गया। हां सो 4 दिन लग रहे हैं, 4 दिन हम मशीन से ही चलते हैं। आजकल आम लगी खराबी बाल तो बरसात भी नहीं हुई ढंग से। तेरे कर कदन के इकट्ठे करे रखे हैं कच्ची पक्कियां लाल तो कर जा फिर इतनी देर में इतनी देर में कोई आधी सुतरी नहीं बड़ा सुतरी एक आधी खराब नहीं हुआ। एक बंदे ने शेडिंग भी कर दिया, मैं कॉल एक दिन उठा कर पिछले बार। तो भाई दादी के नू इतने बड़े बड़े हो रहे, बड़े बड़े क्या मतलब कट्टे बन जाते दादी के नू। सो के उठ गए हैं, दोपहर में थोड़ी देर सो गए थे, इतनी गर्मी हो रही थी। मैं कल बच्चों के साथ थोड़ी सी देर में भी रेस्ट कर लो। और ये बूटी तो इतनी धूप बाहर मगा देखे कपड़े, मैंने सोचा मगा तो धूप तो शाम तक ही सूखे कपड़े तो मन सारे नहीं सूख रहे और धूप में ज़्यादा कलर भी उतरे। रास्ते तो हमारे सारा दिन बहुत बेकार गया, मेरे भाई और चले गए उनके बिना वहीं अरे अजीब सच्चे वहाँ किसी के साथ बात करने का मन भी नहीं कर गया। क्योंकि उन्होंने भी ऐसे बोला था कि मम रहेंगे और एकदम ही उन्होंने ये बोला कि मम तो जाओ, मेरे तो गुस्सा सा भी आ रहा जी अजीब सा भी लग रहा। और बल्कि फिर रास्ते में पता फ़ोन करे उन्हें कि मैं उल्टे आवा और फिर एक उम्मीद सी लगी फिर कर दिया फोन, हम तो घर पहुँच गए। उन्होंने हमें तो जी सा दिमाग ही खराब किया, कुछ काम करने मन कर रहा पर देखो भाई काम तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं घर में भी अकेले दादी है बेचारी बच्चे, फिर काम तो मन नहीं करना पड़ेगा। बेडशीट तो थी आज गुनू ने इतनी गंदी कर दी थी 2 दिन में ही घर त्यादे इसने तो कलर कुलर खिंडा हो के इसके ऊपर, बच्चे तो नहीं वही करा फिर ये इसका कलर भी ऐसा ही है सारा नहीं दिखा साफ साफ और बस तो सारा कुछ हो तो कमरे सफाई सी हो जाएगी। और मैं तो पसीने में 2 मिनट भी नहीं रहा जब कमरे में बिना पंखे के, फिर दादी वास्ते मैं कर ला चाह चू बना दूँ पहले कपड़े ही तय कर दूँ दादी को, पहले कपड़े तय कर देंगे तब ते फिर आराम से चाय बनाइए एक कप मेरे वास्ते, उनका कोई बात नहीं बना दूंगी मैं। मेरी दीदी का पेपर वही मम्मी ने क्या था बोली दीदी हो गया अच्छे से पेपर नू का पेपर कड़ो आज रात नाइट का पेपर रात में आ कहो अच्छा नुका गर्मी में बुरा हाल हो जाए पंजाब में भी इतनी गर्मी इधर तो। मैंने सोचा मैं कहो गया होगा पेपर आराम से फोन कर लो, पेपर नहीं पेपर कुछ नहीं होया रात ने होगा आई भाई मेरी मम्मी को बोली टेंशन हो रही है। मैंने सोचा दिन में पेपर हो जाएगा और शाम से हम चले पड़ेंगे घर की ओर। तो ये थोड़े से रह रही थी कपड़े ये भी अंदर ले चलो, और आज तुम्हारे पिंजरे में मुस्सी बढ़ रही थी बहुत दिन के बाद मुस्सी थी हमारे घर तो मुस्सी छोड़ के आए थे। गुनू बोला मैं छोड़ूंगा मैंने अपनी चाची से देख लूँगा आप ही छोड़ के आना खेत से मैं, और उन्हें तो अगर आस पास छोड़ते हैं ना तो जल्दी घर में बढ़ जाती है। और गुन्नू और के कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे दोनों को रोज़ ही बच्चे के कपड़े रहा हम इतने चाहे कितने मर्जी दो गुन्नू के हमें तो इतने कपड़े। और आज मैंने मशीन में नहीं सुखाया ऐसे ही मगा अब वो सूख जाएंगे धूप में, धूप ही नहीं थी आज फिर सो गई उसके बाद इतनी धूप आ गई सारे कपड़े ऐसे हो गए। पर एक यू रह रहे पजामी से एक यू तौलिया रह रहा हाँ साफ करने इतने बुरी सी तरह अब वो सूख जाएगा थोड़ी देर में अंदर गैस साफ करने के कपड़े।
दो मिनट में मेरा बुरा हाल हो गया, सारे कपड़े भीग गए। कितनी गर्मी, पंखे के नीचे भी 7 दिन थोड़ी रह सकते हैं भाई। अभी सर्दी आई क्या थी इंसान को, कैसे इंसान फिर ए सर्दी इतनी हो गई है भगवान, हम तो गर्मी में ही ठीक थे। डुगू मारा न्यू सोने का ना, बच्चे जो ऐसे इसका 7 दिन सोने का काम हो, जिसकी नींद पूरी नहीं होती थी कभी, फिर तो इसका रोना 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 रोना, नींद पूरी हो जाती फिर तो खेलने का ही काम है इसका। एक बार आराम से कपड़े तय कर दूँ। कल तो गुन्नू ने रुमाल से सारी गाड़ी तो साफ करी थी अपनी, बढ़िया करी। गुन्नू का लगता है तू और छोटे बेबी क्या लगता है तू सकेन आई उंडे दबे किंदे का अच्छा ऐसे मानो को ब्लू कपड़े भी तब तो ठीक है, तब ठीक है यार, पसंद ना दे यार। अबे कहते तू ये तो ऊंडे दानी हैं, तीन के दंतियां से ताएगी। चल कोई बात नहीं, तब तो ठीक है भाई। मेरे मामा की बेटी का फोन था, इन्होंने इनके शादी है अभी मेरे मामा के बेटे की, तो बोल रहे थे भाई कपड़े कुपड़े लेने हैं और भी सामान लेना है, तो ये यमुनानगरी तक आए थे, इन्होंने वही ले लिया। पहले तो बोल रहे थे कि वहाँ आएंगे यहाँ से ही लेंगे, यहाँ भी ठीक रेट में मिलता है, पर बहुत लेट आए थे घर से भी, और इनके छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे बच्चों के भी पेपर है, और अभी ऐसे बोल रहे भाई हमारे पास यहीं पर टाइम लगेगा, और मैंने तो यहीं पर ले लिया सामान। मगर कोई बात नहीं, फिर तो अगर तो मेरे भाई हरिया ही होते तब तो मैं उनके पास दे देती खुद लेके, पर वो तो चले गए। और अभी चाय बनाने लग रही हूँ, दादी बोली एक कप चाय का बना ले मेरे वास्ते, मगर दादी बनाऊंगी चाय तो, और मैं इतना कर रही हैं। और उरे भाई मेरी मम्मी ने सामान दे रहा था, कह गई थी कि सामान दे यार खा पी लो, और मेरे तो याद भी को नहीं, फिर भी याद आया तो नहीं पता होगा नहीं, दादी कभी दिमाग से निकल रही, क्योंकि भाई आजकल ऐसा ही हो रहा दिमाग कुछ भी याद को नहीं होता। मम्मी तो इसमें मेरे भाई यार ले आए थे ये नमकीन, अन्यू की न्यू दरी थी थोड़ी सी खोल रखी मेरी मम्मी ने, अन्यू की न्यू दरी से मेरी मम्मी बोल खा लियो पी लियो, अपने भाई और ने दे लियो, इसमें थोड़ा सा मुरमुरा सा प्रसाद सा दरे न्यू बूंदी दरी। और यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी भाई ना, तो उस बुढ़िया का मरना करा था, उन्हें लड्डू बांटे थे पूरे गांव में, ये लड्डू धरे न्यू के न्यू, ये भी नहीं किसी ने खाया, मेरे को मन ही नहीं था खाने का थोड़े से भाई। मैंने दीवो का दीदी के ले जियो थोड़े से, मम को नहीं खाते कोई बुरे ना, बच्चे खाते ना दादी खाती है और ना मैं खाती, मैं कुछ भी नहीं मम्मी को खाने। तो ये आप लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि मेरे भाई और एकदम ही क्यों चले गए, पहले तो बोल रहे थे 25 तारीख तक यहीं पर रुकेंगे, अगर मेरे पति नहीं आए तो उनको ढूंढने जाएंगे, जहाँ हमारे को पता चला भाई मेरे पति कहाँ पर है। तो मेरे भाई और का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, और मेरा तो आज सच बताओ नहीं इतना फील हो रहा है ना गंदा सा, मतलब उनके बिना अच्छा सा ही नहीं लग रहा, जी सा लग रहा था सबका, और सारा दिन हो गया मैं उदास सा, मन ने बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा कुछ भी बोलने का। पर मेरे पापा ने फ़ोन किया भाई, उनको बुला लिया कि तुम बच्चे हो मतलब जाने के लिए, कि अभी उस जहाँ पे मेरे पति का पता चला वहाँ जाने के लिए तुम्हारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि भाई वो औरत इतनी गिरी हुई है, अगर हम वहाँ जाएंगे वो हमें मिलेंगे तो मेरे भाई और के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है वो, क्योंकि इतनी गिरी हुई इंसान है, और मेरा पति भी उसका पूरा साथ दे रहा है, तो उनके और भाई पढ़ते हैं अभी बच्चे हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे पापा ने बोला ये छोटे बच्चों के काम नहीं होते हैं, मेरे पापा खुद जाएंगे, मैं जाऊँगी, मेरे ताऊ और जाएंगे, तो इसीलिए मेरे भाई और चले गए, उनका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। फिर मैं से बोल दी चलो अगर आप लोगों ने वहाँ नहीं जा सकती तो आज आज रहने दो, पर वो मना करके फिर तो ऐसे बोले ना आप तो जाना ही पड़ेगा। और कुछ दिन बाद भी आज 22-23 तारीख होगी, मेरे भाई ने भी ऋषिकेश जाना, वहीं पर स्टडी करता हो छोटे वाला भाई मेरा, तो बोल रहा था कि नहीं फिर तो मुझे तैयारी भी करनी है, और फिर तो मैंने जाना जब ऐसे वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ रुक के भी क्या फ़ायदा। फिर दूसरा भाई भी कहने लग गया कोई बात नहीं, फिर तो मैं भी इसके साथ चला ही जाता हूँ, और मतलब अजीब सा फील हो रहा है उनके साथ, ऐसे लग रहा है मैं तो बोल रही थी आधे रास्ते पहुँच गए थे, वो आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ,
पर गुन्नू भी बोल था मामू कहाँ गए, वो सोन लग रहा था जब वो गए कि सोन लग रहा बेटा, कोई बात नहीं मामू और फिर चले जाएंगे मामू और के पास। तो भाई इसी कारण मेरे भाई और चले गए। आप लोगों के मन में सवाल थे, आप लोगों के सवाल दूर हो गए होंगे भाई जाना, देखो उनके मतलब जाना तो उनका मतलब मन नहीं था उनका, पर वो औरत अगर वहाँ चले जाते वो इतनी गिरी हुई है आप लोगों को पता ही उसके बारे में, मेरा पति कितना गिरा हुआ उससे भी ज़्यादा, तो उसके पास जाते तो फिर वो पता नहीं क्या कर देती। और मेरे भाई और बेचारे चले गए। और राम राम सभी को, मेरी बहनों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो।